ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जब जब भी ट्रक ट्रांसपोर्ट समुदाय के अंदर ये फीलिंग आती है कि इतनी ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं और सरकार कोई राहत दे नहीं रही है, तो तब तब प्रोटेस्ट होता है पूरे देश के अंदर। और चक्का जाम सबसे बड़ा एक हथियार अब तक माना गया है कि ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं तो चक्का जाम पूरे देश में किया जाए। और कुछ ना कुछ कामयाबियां भी पुराने समय में मिली हैं, लेकिन हाल ही में हुए चक्का जाम में कई चक्का जामों में कोई खास प्राप्ति नहीं हुई है। अब भी जो समय है काफ़ी वो एक दिक्कत वाला समय है ट्रक ट्रांसपोर्ट समुदाय के लिए, खास करके अब मंदी है चारों ओर, चाहे वाहन मालिक हो, ड्राइवर हो, सभी इसके अंदर पिस रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं आ रही है, उल्टा रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो, फिटनेस चार्जेस हो, जुर्माने हो, हर चीज़ कई कई गुना, चार गुना से लेकर 40 गुना तक बढ़ा दी गई है। तो इस समय में जो आम एक ट्रक ट्रांसपोर्टर है, ऑपरेटर है, वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह का कोई प्रदर्शन हो और सरकार कोई राहत दे। तो इस समय में एक राष्ट्रीय संस्था है, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, एक जाना माना नाम है, उन्होंने प्रोटेस्ट करने का एक नया तरीका ढूंढा है जो अब तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। ये तरीका क्या है, उनकी मुख्य मांगे क्या हैं और कौन कौन सी संस्थाएं इस एटवा का, जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का समर्थन कर रही हैं, वो तमाम चीज़ें आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एटवा का कहना क्या है, प्रोटेस्ट होगा कैसे। एटवा का नारा चक्का जाम नहीं है, उनका नारा है नो ट्रक परचेज, यानी कि कोई ट्रक नहीं खरीदेगा। जी हाँ, एटवा का कहना है कि प्रदर्शन के तौर पर तमाम जो उन्होंने अपील की है देश के जो ट्रक गाड़ी मालिक हैं कि अगले 3 महीने तक कोई भी गाड़ी ना खरीदे, नई गाड़ी ना खरीदे, ये एटवा का कहना है। और उनके मुताबिक ये एक बहुत ही कारगर तरीका है सरकार के सामने विरोध जताने का। वो कैसे, वो हम आगे चल के बात करते हैं। उससे पहले बता दूं कि चार जो मुख्य मांगे हैं एटवा ने वो कौन कौन सी रखी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसटी की। एटवा ने पहला मुद्दा ये उठाया है कि ट्रक खरीदें आप नया, चाहे टायर खरीदें, उसके ऊपर 2.5% जीएसटी क्यों लगता है, बहुत ज़्यादा है, उसमें राहत मिलनी चाहिए। दूसरा मुद्दा है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, जो प्रीमियम दिन ब दिन हर साल जो बढ़ते रहते हैं, सरकार उसमें कोई राहत नहीं दे रही है। तीसरा मुद्दा है 44AE का, जिसके अंतर्गत सरकार एक इनकम तय कर दी है कि इतनी इनकम तो कम से कम एक ट्रक वाले को होती ही है, उस हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। ये जो इनकम सरकार ने मानी है वो बेहद ज़्यादा है, इसके ऊपर हम पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं। तो एटवा की यहाँ पर मांग है कि वो भी जो है उसमें रिलैक्सेशन दी जाए। और चौथा मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, जिस पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो है TDS का, कि जो अभी हाल ही में एक प्रावधान बजट में लाया गया है कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा एक साल में विड्रॉल होगा अपने ही बैंक खाते में, खाते से करेगी ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो 2% TDS बैंक उसके ऊपर काट लेगा। और अंत में जो डीजल प्राइसेस 2 रुपये बढ़ाए गए। तो ये हैं 4-5 मुद्दे जो मुख्य तौर पर एटवा इस विरोध प्रदर्शन में उठा रही है। हम एटवा के जो प्रेसिडेंट हैं श्री महेंद्र आर्य जी, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। बहुत सारे मित्र पूछ रहे हैं, क्या आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने ट्रक न खरीदने का फैसला किया है? जी हाँ, ऐसा फैसला किया है पूरे देश की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने मिल करके। हर जगह के एसोसिएशंस ने आपस में बात की और इसका कारण, ये कारण स्पष्ट है। जिस चीज़ को हम चला नहीं सकते, जिससे हम 2 पैसे कमा नहीं सकते, वो काम करने से कोई लाभ नहीं है। ये कोई अचानक हुई बात नहीं है, ये एक सिलसिला है कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बोझ से दबाया गया है। GST में जो सबसे ऊंची रेट ऑफ टैक्स है वो है 28%, और हमारे पूर्व वित्त मंत्री साहब का कहना था कि ये बहुत समय तक नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ सिन गुड्स के लिए है या लग्जरी गुड्स के लिए है। तो साहब, ट्रक टायर और ट्रक के स्पेयर्स, ये कौन सी लग्जरी के आइटम है या सिन गुड्स हैं? ये गरीब आदमी का रोटी कमाने का जरिया है और कुछ नहीं। आज की तारीख में ट्रक वाला अपनी किस्तें चुका नहीं पा रहा, ट्रक हमेशा किस्तों पर पेमेंट करने के आधार पर लिया जाता है। जब 5 साल के अंदर वो किस्तें पूरी होती है, फिर जो ट्रक की कीमत बचती है वो समझता है कि मैंने कुछ कमा लिया, और आज की तारीख में तो ट्रक की किस्तें भी पूरी नहीं हो पा रही। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक आवश्यक चीज़ मान करके इसे सरकार ने लगाया, चलिए आवश्यक है, लेकिन उसका कोई गणित तो होना चाहिए। क्या उसे जब मन में आया आप बढ़ाते जाएंगे?
कोई उसका हिसाब किताब, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई पूछे तो बताने वाला कोई नहीं है। पिछले बजट में क्या किया? डीजल पर उठा के 2 रुपये आपने सीधे सीधे बढ़ा दिए, अब वो कहाँ से रिकवर होंगे उसकी आपको चिंता नहीं है। आज ट्रांसपोर्ट वाला अपने माल को कहाँ बेचने जाए, कौन उसको रोज़ पैसे बढ़ा के कीमतें देने वाला है? 1 करोड़ से ऊपर कैश उठा लिया बैंक से तो उसके ऊपर आप 2% TDS काट लेंगे। ठीक है, TDS हमारा ही पैसा है जो घूम के हमें मिलना है, लेकिन उस मिलने की जो प्रक्रिया में समय बहुत लगता है। आप कहेंगे कैश का क्या काम है, लोग ये कहते हैं। बाकी ट्रेड्स में शायद नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल है। जब ट्रक ड्राइवर माल लेकर के अपनी गाड़ी पर निकलता है तो वो अपने साथ इतना पैसा ज़रूर लेके निकलता है कि पूरी यात्रा के लिए रास्ते में डीजल खरीद सके, टोल का पेमेंट कर सके, अपने खाने पीने का जुगाड़ कर सके, कोई ब्रेकडाउन हो जाए तो उस खर्चे को मीट कर सके, और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग ये जो रास्ते में भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं, चेक पोस्ट हैं, RTOs हैं, पुलिस है, आजकल नई एडिशंस हो गए, GST के नाम पर गाड़ियाँ रुकती हैं, EV बिल के लिए गाड़ियाँ रुकती है, सबको पैसा चाहिए और वो सब कैश लेते हैं। ड्राइवर के पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है क्योंकि कोई बैंक उसे देता ही नहीं, न उसके चेक्स कहीं चलते हैं। तो मित्रों, सारा पेमेंट उसे कैश में ही देना होता है, और ट्रांसपोर्टर की टर्नओवर का सबसे बड़ा हिस्सा रास्ते का खर्च है। तो 1 करोड़ की जो आप सीमा कह रहे हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो तो छोटी छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के अकाउंट्स में आपको मालूम पड़ेगा कि 1 करोड़ का विड्रॉल उसका हो रहा है। बहुत बड़ी समस्या है, समस्याएं बहुत सारी हैं, सारी समस्याओं का समाधान भी संभव नहीं है। और ये जो एक्शन है ये किसी से कोई लड़ाई करने का एक्शन नहीं है, ये अपने भविष्य के साथ में ही समझिए हम एक जूझने वाली बात है। आज उस ट्रक को लेके कोई लाभ नहीं है जिस ट्रक से हम 2 पैसे कमा नहीं सकें, और 3 महीने के लिए हमने ये सीमा रखी है कि 3 महीने हम नहीं खरीदते। इससे देश का कोई नुकसान नहीं है, कोई व्यवस्था बिगड़ने वाली नहीं है, बल्कि जो ट्रकों की आइडल कैपेसिटी पड़ी होगी वो सारी रोटेशन में आएगी, क्योंकि नई गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो पुरानी गाड़ियों को काम करना पड़ेगा, व्यापार तो पूरा होने वाला है, कोई व्यापार कहीं मार नहीं खाएगा। बस ये एक छोटा सा सिग्नल है जो पूरी ट्रांसपोर्ट उद्योग सरकार को देना चाहती है, इस माध्यम से देना चाहती है। इसके पीछे कोई गलत मकसद नहीं है, किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है, ये बस एक हमारी अपनी एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा उद्योग मिलकर के कर रहा है, ये कोई एक आदमी या किसी एक संस्था की लड़ाई नहीं है। हालांकि महेंद्र आर्य जी ने इस क्लिप में कहा कि उनकी ये मंशा नहीं है कि वो सीधे रूप में सरकार को या किसी अन्य संस्थान को कोई नुकसान पहुंचाएं, लेकिन हमारे हिसाब से ये जो तरीका इटवा ने निकाला है कि कोई ट्रक ना खरीदें, ये काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। ये तरीका कारगर इसलिए साबित हो सकता है कि इसका जो सीधा सीधा प्रेशर पड़ेगा वो वाहन निर्माता कंपनियों पर तो पड़ेगा ही, उससे ज़्यादा सरकार पर पड़ेगा। जी हाँ, वो मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि जो मंदी अभी चल रही है, जो डेटा सामने आया है उसके हिसाब से जो GST कलेक्ट करती है सरकार, जब नए ट्रकों की सेल होती है, नए वाहनों की सेल होती है, उसमें 8% की कमी पहले ही आ चुकी है, और ये 8% सरकार के लिए बहुत ज़्यादा है। सरकार चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से वाहनों की जो सेल है, बिक्री है, वो बढ़े, लेकिन राहत उल्टा कोई दे नहीं रही है। तो अगर ये एटवा का जो तरीका है विरोध करने का, अगर ये सच में कामयाब हो जाए तो बहुत बड़ा प्रेशर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि GST की जो कलेक्शन है, GST से जो पैसा सरकार को आता है, उसमें ज़बरदस्त गिरावट आ जाएगी। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस मंदी के दौर में कौन ट्रक खरीद रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जून के जो डेटा आया है, हालांकि उसमें गिरावट आई है जून के डेटा में, लेकिन बावजूद उसके 70,000 गाड़ियां सिर्फ जून महीने में बिकी हैं, जून 2019 की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर ये एटवा का जो प्रदर्शन का नया तरीका है, अगर इस वजह से गाड़ियों की बिक्री में कोई कमी आती है, तो ये इंडस्ट्री के लिए, जो वाहन निर्माता कंपनियां, उनके लिए और केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत इससे खड़ी हो जाएगी। तो हो सकता है सरकार पर कुछ ना कुछ इस प्रोटेस्ट का असर हो अगर ये कामयाब हुआ तो। खैर, इसके अलावा महेंद्र आर्य जी का ये भी कहना था कि ना, सरकार को प्रेशर को अगर छोड़ दें, उसके अलावा जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट, अगर नई गाड़ियां नहीं आएंगी,
उससे वैसे ही पूरी इंडस्ट्री को फायदा होगा, जो थोड़ी मंदी है वो कम हो जाएगी। ये भी पॉइंट एक इसमें नोट करने वाला है। अंत में आपको बता दें कि कौन कौन सी संस्थाएं एटवा का समर्थन कर रही हैं इस प्रदर्शन के अंदर। वो है बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंडियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, कर्नाटका गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, सिलीगुड़ी रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, महाराष्ट्र ट्रक ओनर्स एसोसिएशन और द कैलकटा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अभी तक इसका समर्थन नहीं किया है, हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं आई है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि AMTC इसका समर्थन करती है या एटवा खुद ही इस विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाएगी, और इस प्रदर्शन का क्या असर सरकार पर आने वाले दिनों में होगा, ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि ये एक नए तरह का प्रदर्शन है और ये देखना होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है। तो आज के इस वीडियो के बाद आप दो तीन चीज़ों पर अपनी राय हमें दें। एक तो ये कि क्या आपको लगता है कि एटवा का ये जो नया तरीका है प्रोटेस्ट करने का, ये कारगर साबित होगा। दूसरा आप ये भी बताएं कि जो मुख्य मांगें एटवा ने रखी हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं, क्या आप चाहते हैं कि कोई और मांग भी इसके अंदर होनी चाहिए। तो अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ट्रांसपोर्ट टीवी का अगर आपको काम अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभ।